अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनुमान मनाने के लिए अपने पति के साथ अपने पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी, संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी, ठक 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 ठक, जैसे जूते नसी खा रहे थे। आवाज बढ़ती जा रही थी, ठक ठक ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या वहां दूर दूर तक संजय नहीं था, न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए, प्रियंका के होठ 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 सूखने लगे, प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा खोला, तभी 40-50 चमगादड़। प्रियंका घबराई नहीं, प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा रोया सा कुरकुर जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा, नल ने प्रियंका को देखा, मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है, वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई। प्रियंका घबरा गई, प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में उसने जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। मुर्दा घर कहाँ है? ओ, सीधे जाओ वहाँ से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहाँ पर मोटी कब्र है, उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला डरने की क्या बात है, मैं ही इस कब्र में रहता हूँ, गर्मी लगी हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों? मैं लोगों से जा जा के मिलूंगा, किसी लोगों से मिलूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके कैरेक्टर्स को कहानी में पिरो के मैं दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक बड़े लेखक के रूप में याद करें। बैजनाथ यादव बनारसी, जुम्मन मियाँ लखनवी, मारकंडे पांडे। वाह वाह, मारकंडे पांडे सर, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया। हाँ, वो कॉफी का कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपया हुआ ना, ये लो, ले ले, ये रहा कॉफी का पैसा। सॉरी सर, छुट्टा नहीं है। अरे देख, नहीं, तेरे पास होगा। 50 नहीं है, मेरे पास 100 है। अरे सौ, देख, देखना है ना, है ना। हाँ, 100 है ना, 100 लेते ही, 100 चलता है। 100 रुपए लीजिए, 50 रुपए आपकी कॉफी के, 50 रुपए आपके लिए टिप। पैसे मेरे और टिप तू दे रहा है? अरे यार, पैसे तेरे है तो क्या हुआ, इज्जत तो अपनी है, मैं पोजीशन के हिसाब से टिप देता हूँ। लेकिन तू नाराज क्यों रहा है? तेरे को कॉफी और पिलाता हूँ। वेटर, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला, मुझे नहीं पीनी तेरी कॉफी। ए चिंदी चोर, वेटर। यस सर। ला 100 रुपए दे। कौन से सर? अरे अभी दिए थे ना वो। कौन से पूछ रहा है, 50 रुपए हुए ना कॉफी के? यस सर। ये ले 50 रुपए। कमाल का नमूना है। अरे ये गोवा के टिकटे ऐसे बेच रहा है जैसे स्टेशन के बाहर लोग चप्पलें बेचते हैं। नहीं अच्छा है, मेरे नॉवेल के लिए करेक्टर एकदम जबरदस्त है, इसी से करियर की शुरुआत करते हैं। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो सिर्फ मैंने जाना। एक बार बोला ना नहीं चाहिए, तेरी समझ में नहीं आता, चुप।
एक्सक्यूज मी, गोवा ले चलेंगे? अरे गोवा के लिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, गोवा जाने के लिए। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? माय नेम इज एंटोनी गोंसाल्वेस। पूरा मत गाना सर, बहुत अच्छा गाना, मैं हजार बार सुन चुका हूँ, मुझे ज़बानी याद है। मैं दुनिया में अकेला हूँ, एक गोवा। ओह सर, हिंदुस्तान में एक ही गोवा है, आपको टिकट कितनी चाहिए सर? मुझे वो टिकट भी एक ही चाहिए। सर डिस्काउंट काट के ना 130 रुपए होता है। oh, हाँ तो 130 रुपए। 130 रुपए। क्या स्टाइल है सर आपका, क्या? मैं उनकी कार्बन कॉपी और आप ज़ेरॉक्स। किसकी? मालूम नहीं। हाँ अरे ये एंटोनी कौन है? वही जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले बॉम्बे टू गोवा गए थे। सर आपका शुभ नाम? विश्वम भरम कोयमा वेले वेले कुट्टे। सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म? विटी कुट्टे। ओ विटी कुट्टी, ओके। कुट्टे कुट्टी 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 कुट्टी, ओके। कुट्टी कुट्टी कुट्टी, तीन कुट्टी ना? हाँ तीन कुट्टी। सर डिस्काउंट काट के 360 रुपए लगेगा सर। क्या बात है सर, ये लीजिए टिकट। 370 है। हाँ 10 रुपए टिप। ओ माय गॉड सर, 10 रुपए टिप दिया आपने, मैं तो आपका सामान भी उठाऊंगा सर। सर आपका क्या सामान है? सामान बहुत अच्छा सर। तेरे नियत में कुछ खोट है चल। सामान बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। दोनों सामान आ भी गए सर। ये तीनों कमाल के कैरेक्टर्स हैं यार, ये दोनों लड़कियां ना बहने लगती है ना दोस्त, कुछ तो लोचा है। और ये कालिया बुलडोजर, इनका बाप तो नहीं लगता। इनकी कहानी घर घर की नहीं लगती। अरे सर मैं हूँ लाल, A1 टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी का मालिक। सर फर्स्ट टाइम गोवा जाने वाले को तो हमारी कंपनी 40% डिस्काउंट दे रही है। 40? और तो और सर आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा पूरा ख्याल? मेरा तो बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इधर आइए, कान में बताता हूं। सर मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ सर, मुझे लगता है आपने गलत दरवाजे बिल बजाई सर। सर प्लीज, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था तो किस टाइप का आदमी। इधर नहीं 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 एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, अगर रास्ते में बस ना रुकी तो आपको चाहिए इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी? हाँ एकदम बिल्कुल। दांत खुजली खा, क्या ऊट पटांग बकता है तुझे ये शरीफ आदमी कस्टमर दिखता है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं चांदनी बार के कस्टमर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बस का मालिक हूँ ना, तो मैं अपने पैसेंजर को ही कस्टमर कहता हूँ। अबे तो ऐसा बोल, अपनी टिकट बुक खोल, ओके, गुस्से को झाड़, दो टिकट फाड़। आप तो शायर लगते हैं। हाँ मिर्जा साहब इन्हीं को चार्ज देके गए। आपकी तकलीफ? बेटा तकलीफ नहीं, उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस बोलते हैं। ओके ओके, तो क्या है वो आपका? मेरा तखल्लुस अब्बू भाई चक्की वाला। तो मेरा तकल्लुस लालू भाई बस वाला। अच्छा, और मैं हूँ, मैं आटा पिसाने आया हूँ, बोरी लेके आओ। अरे बहुत बोरिंग आदमी लगता है यार, आप इसकी बातें बताइए। अरे तुम्हें जल्दी आ यार, चलिए चलो चलो। आइए भाई आइए, आदाब। पहले बहनोई से कर लो, फिर बहन से कर लेना आदाब। अरे चलो बेगम, आटा कहीं और पिसाओ, चक्की बंद। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस में? नो, ये बस अपनी नहीं है। अरे हमारी बस तो वो होगी एकदम स्वप्न सुंदरी, सुंदरता से भी सुंदर, अति सुंदर, दुल्हन की तरह नई नवेली, वी लॉन पैलेस। है? एक मिनट जरा मैं आता हूँ, जरा साइड में आना। इधर क्या है ये? क्या है ये? अबे बस है अपनी। इसे तू बस कह रहे? यार तूने बोला कि अलग दिखनी चाहिए, एकदम अलग दिख रहे हैं यार। शहर का एक बंदा नहीं मिला जो इसकी तरफ ना देखा हो। कुत्ते तो भौंक भौंक के परेशान हो गए। दासा तूने मुझे बर्बाद कर दिया।
अरे मेरे 2 लाख में मिट्टी मिला दे तूने यार। अबे 2 लाख रुपए में टाटा कंपनी तेरे को स्पेशल बस थोड़ी बना के देगी। मारुति नहीं आती है 2 लाख रुपए में यार, बात कर रहा तू। मैं तो कितनी फिट एंड फाइन A1 बस ले गया हूँ। फिट एंड फाइन इसे तो फिट कहता है। हा? इस बात को तो फिट कहता है। ये देख, ये झूम हो गए। लाल लाल ये कलर देख, ऐसे तो फिट कहता है। ये देख, ये सिटिंग एलिमेंट देख। अरे बंदा इसमें बैठेगा तो उसे अंदर से काटे जमेगा काटे। इसे तो फिट कहता है साला। आदमी को देख के फिट आ जाए साला। और कैसे हो, बाकी सब चीजें बच रही है और इसे तो फिट कह रहा है। देख इस बस में साइकिल से लेकर पानी के जहाज तक का पार्ट लगा हुआ है। अबे 15 तो इंजीनियर फेल हो गए, भाग गए बंबई छोड़कर। वो तो पढ़ाई काम आ गई मेरी। बैठ के खुद झुनझुने पुनपुने तंबू सब मैंने अपना बेल्डिंग का काम सामने बैठ के करा। बात कर रहा है दासा, तूने काम नहीं करवाया। तूने तो मेरा ही काम तमाम कर दिया यार। लाला हट यहां से, हट। पूरा बर्बाद कर दिया मुझे यार। अब मैं कस्टमर्स को क्या जवाब दूंगा? लाला लाला बेटा बेटा, कस्टमर का भी आइडिया है मेरे पास। भाई वाह धन्य भाग हमारे जो आप सब अपने सम्मान और सामान के साथ पधारे। भाई कमाल है भाई। आइए 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 भाई। देखिए ये बस जो है गोवा जाने के लिए एकदम तैयार करी है। आप सभी लोग अपने अपने सामान के साथ विंडो सीट पकड़ ले, क्योंकि इस बस में सारी सीट विंडो है। ये युगांडा की बस है क्या? हाँ जी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या खिड़कियां क्यों है? फर तो क्या है ना, अच्छा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ भाइयों, ये इतना डिस्काउंट दिखा के इतना लूट रहा है। पनवेल इतना कर देगा, खंडाला में इतना। अच्छा सुनो यार, हमको इस बस से नहीं जाना है, पैसे वापस दे दो। सही बोल गया। एक मिनट बस किसकी है? आपकी। तो बोलेंगे कौन? आप। अरे बोलने दो ना यार। तो बोल ना भाई। बोल क्या है? ये बस गोवा नहीं जाएगी। अरे यार लेकिन क्यों नहीं जाएगी? जाना है। क्या है, गोवा जाने वाली बस जो है हाईवे पर खड़ी है, आगे राम भरोसे ढाबे पर। बुला लो। हाँ देखो क्या है, ये है पिकअप बस। अरे कौन सी बस है? क्यों? क्योंकि वो रनवे पर चलती है, ठीक है ना बस। और बंबई की सड़कों की हालत आपको बहुत ही खराब, मेरे जैसी हो गई है। ये पिक करेगी यहाँ से, अब करेगी पनवेल में, ठीक है ना। अच्छा चलो समय उड़ा, चलो चलो। ये बस का जो ड्राइवर है पेंसिल सेल, कमाल का करेक्टर है। और मेरी बुक के लिए सबसे बड़ी करेक्टर है ये बस। ये बस देख के मुझे लगता है ये न्यू बॉम्बे भी बोल देगी, बस मैं तो आगे न जा पाऊंगी। देखते हैं ये सफर में कितना सफर करना पड़ेगा। आइए आओ जी लाला लाला। आइए चलिए बैठिए। बहुत अच्छे, वाह। ये झूमर तो दीपा बार में देखा था। तो वहीं देखा था ना, वहीं से लाया हूँ। अच्छा अच्छा, साइड की सीट पकड़ ले। ये क्या वॉल्वो है? चाची आगे आगे देख, रेलगाड़ी बना दूंगा। चल। अरे निशा देख सोफा, अरे इस पर तो आराम से सो सकते हैं। क्यों? सुलाने के लिए ही तो लाया हूँ, तो मुंबई बंद में एक ही मिला नहीं, पूरी बस में बिछा देता और लेटा देता। अरे इस टाइप की बस तो हमने कभी देखी ही नहीं। अच्छा हाँ, आपने अपनी बीवी की सूरत देखी है? हाँ यार। अरे तुझे किस बात का गम है, ये मेरी ओरिजिनल बेगम है। बल्ले बल्ले, चल कोने की सीट पकड़ ले। बढ़िया स्प्रिंग है, क्या गुलगुली सीट बनाई है। लेकिन ये मेरे हिस्से में आई है, उठ। पर मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, उठ। क्या उठ रहे हैं? हाँ नो प्रॉब्लम यार, नेक्स्ट टाइम यार। वाह वाह, वही वही अजीब मस्करा है। हाँ देखा आपने। बेगम उठो तो कहना था, मुंह पे नहीं तो पीठ पे ही देना था। हे रोको रोको, ए टोपी उठ। नहीं यही अच्छा लग रहा है। अबे ये तेरी माँ की गोद नहीं, मेरी बेगम की गोद है। चलेगा? मेरे को नहीं चलेगा। ये एक ही है क्या आपके पास? नहीं 100 है, ईद के दिन फितरे के साथ बांटूंगा, आ जाना। लाइन में मिलूंगा आगे। अरे क्या तकलीफ है आपको? तमीज से बात करो, हमको गोवा जाना है। गोवा जाना है? अरे तैयारी तो आपने जीओडी गॉड के पास की थी, जीओ है गोवा नहीं। चलिए अंदर आइए, आइए अंदर। पहली बार मैंने एक ही अंगल की उम्र का सुपरमैन देखा, चूसा हुआ सुपरमैन। हॉरर फिल्म में लालटेन लेकर घूमने वाला आदमी आज कृष्ण बन के बस में चढ़ा है। खैर जैसा भी है, मेरी किताब के लिए कैरेक्टर बहुत अच्छा मिला है, आज मजा आएगा।
सफर का, बॉम्बे टू गोवा। रोको 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 रोको, अरे रोको मुझे, अरे रोको, अरे रोको, अरे बस रोक बस। थैंक यू, अभी आ जा। क्या यार, अरे कंडक्टर अभी बस चली, अभी रोक। 2 मिनट रुको ना, समझो बुजुर्ग आदमी। अरे मैं इसको बोतल भी दिया था। काय की? दारू की? करने के लिए। कितना टाइम? अच्छा, क्या करें बेगम, बस उसकी थी, रोक दी। सब ठीक है ना, शांति होगी ना? ऐसा लग रहा है पूरी तसल्ली नहीं हुई। एक बार सर, एक मिनट सर, आपके तसल्ली के चक्कर में मैं सिकचिल्ली हो रहा हूँ। एक मिनट मैं बस। अरे यार, अरे कंडक्टर, ये बस गोवा कब पहुँचेगी? क्या मालूम। अरे भाई, बस क्यों रुकी हुई है? मेरी वजह से रुकी हुई है, मुझे कहना बीमारी है बस रुकने की बीच बीच में। इलाज कराइए ना, गोवा जल्दी नहीं पहुंचना है क्या? क्या चाहिए? प्यास लगी, पानी पीना है जी? आज तो मैं इसका चेहरा देख ही लूंगा। हाँ लो, पी लो पी लो। इसके अंदर जरूर गॉडज़िला है और ये बाजू में ढीला है। मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोगों को ग्रेट चैपल कोच कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की कोई पुरानी हार का इंडिया से बदला ले रहे हैं? क्या कुछ भी, मुझे लगता है उन्होंने ये तक भी सिखाया होगा, बॉम्बे टू गोवा बस में जर्नी कर रहा हूँ, क्रिकेट विल इम्प्रूव। आइला, तुमको कैसे पता चला? सुनिए, आपके कोच के बारे में पूरे भारतवर्ष को मालूम पड़ गया है, हमारा भी नहीं, समझे? ए भैया जी, एक्सपोज हो गए हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं, देखा ना दादा वापस आ गए। हाय, मेरा नाम गौरव गांगुली है, अपने दादा को भूले तो नहीं? ए भैया, ऐड फिल्म कर रहे हो, सिंपति मांग रहे हो? अरे दिन रात टीवी पर इतना आते हो कि एक बार इंसान अपने बाप का नाम भूल जाए, तुम्हारा नहीं भूल सकता। मैं तो भूल गया हूँ। वीरो, क्या खेलता है रे तू, कितना हारता है रे तू? अरे तुम लोगों को कुछ शर्म बिरम आता है कि नहीं? वीरो, मैंने समझाया था ना तुझे, पर तुम समझे ही नहीं, देख पब्लिक समझ गई। अरे अभी तू समझ टेंडली, कभी तो सेमीफाइनल और फाइनल में जीत के दिखाना। एक सेकेंड, सचिन की तो क्या है, एक रेपुटेशन है, ये समझो आज के मैच में अच्छा नहीं खेला तो अपने को क्या लगता है कि अगले मैच में अच्छा खेलेगा, और अगले मैच में अच्छा नहीं खेला तो अपने को लगता है कि अगले मैच में अच्छा खेलेगा, अगले मैच में भी अच्छा नहीं खेला तो अपने को लगता है कि अगले मैच में अच्छा खेलेगा। करेक्ट है, लेकिन बाकी 10 जीव जंतुओं का क्या? ये बाकी 10 तो मैदान में ऐसे उतरते हैं जैसे मैं कभी कभी मैच देखने के लिए जाता हूँ। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, ये लेंगे लीजिए। अच्छा सर, गोवा जा रहे हैं? गोवा 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 जा रहे होंगे, घूमने जा रहे हैं सर? घर होगा, घर होगा, घर भी होता है गोवा में, घर भी होता है और घूमने वाले भी जाते हैं। पुलिस वाले हो? नहीं नहीं। टीवी रिपोर्टर हो? नहीं। राशन कार्ड बनाने वाले दलाल हो? नहीं नहीं सर। देन गेट लॉस्ट, जाकर अपनी सीट पे बैठो, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सर को, सर गोवा फिल्म फेस्टिवल के बार टेंडर हैं, फ्री की पीने जा रहे हैं। चलो टीम इंडिया, तुम्हारा स्टॉप यहाँ पर आ गया है, इसी जंगल में छुप जाओ, अपना मुंह काला करो, जनता तुमको ढूंढ रही है, किसी को शक्ल मत दिखाना। वेल गो वेल गो वेल गो वेल गो बाय। सुपर फास्ट बस का खटारा बना के रखा हुआ यार। अरे रे, इसका जाएंगे किधर के बस का? अरे लंगोट, जल्दी बस में जाएंगे। गुड, मेरे चिन प्रोश की मॉडल, LIC की पेंशन प्लान, तेरे को क्या लगता है लफड़ा होगा? अबे साले, हमेशा क्यों भड़कता है MDH मसाले? वो देख, ओ भाई साहब, जरा इधर आना, इधर आना, एक मिनट काम है, इधर आना, आना। मैं जी, नमस्कार। आप किसी चैनल का रिपोर्टर है क्या? नहीं जी, मैं राइटर हूँ। शादी हुई क्या? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक।
ऐसी कोई लड़की नहीं मिली कि जिसके साथ मैं घर बसा सकता। कैसी लड़की चाहिए? मुझे मुझे सर एकदम सीधी सादी लड़की चाहिए। दीपा जैसे। और सर उसमें इतना प्यार हो कि प्यार कभी खत्म ना हो। प्यार तो दीपा में पूरा भरा हुआ है। और सर वो इतना प्यार करे कि पति को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। दीपा घर में हो तो बाहर जाने की जरूरत भी क्या है? और सर उसमें समझदारी इतनी होनी चाहिए कि वो मेरी भावनाओं को समझे कि मुझे क्या चाहिए। ये समझदारी तो दीपा में कूट कूट कर भरी हुई है। क्या ख्याल है दीपा के बारे में? मुझे लगता है कि मेरी अधूरी किताब और अधूरी जिंदगी इस बस में आके कंप्लीट हो गई है। और बस में चढ़ा एक सरदार, यानी कि एक असरदार किरदार। एक्सक्यूज मी नन्हा सरदार, आप सरदार हैं बंगाली? दोनों कैसे हो सकते हैं? एक औरत के दो पति हो सकते हैं, एक बच्चे के बाप नहीं हो सकते, तो आपके दो कैसे हो गए? यार एक बंगाली तो एक पंजाबी पति पति हो सकते हैं कि नहीं? मतलब आपके पापा पंजाबी और माँ बंगाली? ना ना, पापा बंगाली तो माँ पंजाबी। अगर आप डैडी बंगाली है तो आप सरदार कैसे हो गए? अरे यार एक सेकंड, आप सरदार कैसे हो गए? हमारा बाप हमारी माँ से शादी नहीं किया। ओह, तो क्या वो पड़ोसी ने किया? हमार माँ ने ना बाबा से शादी किया। तुम्हारे की प्रॉब्लम आ चुकी है, मैंने काम कर लिया। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? कुछ ढूंढ रहे हैं? दो बार मारा। बंगाली आपको तीन बार मारा है। ए क्या है बुढ़ा? आप तो की बोल लाम क्या बुढ़ा? ये तो घड़ी बोल लाम की रे। कौन है बेटू? मी आमी बाबा दियोल नाना, आई एम वेरी डेंजरस पर्सन। अब तक 56 कत्ल किया तो बाकी है। अच्छा। बड़ा बड़ा लोग हमारे सामने मुंह खोला नहीं खोला तो हम उसको खोल दिया। I am very dangerous. And you? I? Once upon a time, I was come back, I will take you back. Why? अरे भागे यहाँ से। अबे क्या कर रहे हैं? अरे यार। भाग। देखा? भैया जी आपने देखा? हाँ। ये तो वो हैं। जो वो? हाँ वो। बाहर बालाएं हैं भैया जी। ये तो बाहर में काम करने वाली लड़कियाँ हैं भैया जी। अरे ये तो जिंदगी भर के लिए वेटर बना देगी। अन्ना मुझे क्या लग रहा है कि एक राइटर को फाइटर से शादी नहीं करना चाहिए। अन्ना भैया क्या ये शादी टूट नहीं सकती? टूटे तो अच्छा है, टूट सकती है। टूट सकती है। लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता है। तुम जाके पूछो ना टूट सकती है क्या। नहीं, मौसम बहुत खराब है। और बताया गया कि गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। अन्ना ये शादी टूटे ना टूटे हम दोनों जरूर टूट जाएंगे। ये भैया स्कोर क्या हुआ रे? 80/9 पाकिस्तान। पाकिस्तान 80/9। इसमें नया बैटरी डाला क्या? नया बैटरी मतलब? अरे नया बैटरी डालने से विकेट जल्दी जल्दी गिरता है। अरे कौन सी बस है यार? बुलाना उसे। एक मिनट, एक बात बता दो ना, सच सच बताओ, बुरके के अंदर माल क्या है? यार इसको टेंशन क्या है? बुरके में मेरी बीवी है, तेरी बेटी या बहन नहीं है। पक्का? खाओगे? बातें ही करता रहो। क्या खाओगे? अभी ऑप्शन क्यों दे रहा है तू? क्या अभी तो मुझसे क्या? नहीं, जो बना है जो तैयार है सबके लिए लेकर आ। कोई ऑर्डर मत ले। ए सुन, हाँ मेरी बीवी को एक सा खाने की आदत नहीं, उससे पूछ लेना वो क्या खाएगी। है जी जी। ये अभी के खाने का ऑर्डर दे रही है या पूरे साल का? बुरके के अंदर सामान क्या है? कोई भौकाल है? भूत ए, नहीं, नहीं हो सकता भैया जी। हाँ अच्छा, अपने नौटंकी से ज्यादा तो इनके नौटंकी चल रहे हैं। लेकिन जान दे, पहला पोटो बन अंतर ईटो बन।
पहली बार मूछ वाला लस्सी का गिलास कहीं गया है। पता करता हूँ काला जाम का रहस्य क्या है। आदाब। 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 मर्दानी आवाज। बस ये अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी आदमी से प्यार करता हूँ। शुरू से मुझे डाउट था कि इस बुरके में कुछ लफड़ा है, ये है उसका आइटम। अबे खजूर, वो आइटम नहीं, ढाबे का वेटर है। क्या खाओगे? अरे चलना, ऑर्डर तो देना। अरे जा तो सही, चलना। तो वो किधर है? वो आटे की बोरी है ना, अपनी बीवी को लेके खिसक गया। खुद भी भाग गया और बुरके वाले को भी ले गया। कम से कम एक बार तो देखने को मिलता बुरके के अंदर क्या और कैसी है। मटका जाएगा? हाँ जाएगा ना। ये ले 1000 रुपए। अरे अरे मुझे भी जाना यार। अरे एक सेकंड सुन भाई, मटका जाएगा? हाँ 1000 रुपए देता हूँ, ये ले। थैंक यू साहब। अरे पागल, मुझे जाना है। अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड सुनो सुनो सुनो, ओ भाई रुको 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 रुको, मटगांव जाना है। हाँ? 1000 रुपए दूंगा, मैं चलूंगा। हाँ जाओ, ये लो 1000 रुपए। रुको 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 रुको, अंकल भी आ रहा हूँ। अरे यार, अरे खजाना लूटने चला था, साले मुझे लूट के चले गए। अभिषेक बच्चन रुक। हाँ क्या? तू गोवा के पैदल जाएगा? नहीं तो क्या, मेरा कोई हेलीकॉप्टर आएगा डग 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 और मेरे को लिफ्ट करके ले जाएगा। ए, तू चिढ़ता क्यों है रे? हेलीकॉप्टर नहीं तो कम से कम हम लोग गाड़ी से लिफ्ट तो ले सकते हैं ना। हाँ गुड आइडिया रफ्जा, कुछ करना तू। लिफ्ट लिफ्ट, रुक रुक रुक, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। कैसे हो जॉन इब्राहिम? अपनी सिस्टर को लिफ्ट दे रहे हो? अपने जीजा जी को भूल गए? आओ सिस्टर, हॉस्पिटल की, बहुत बड़े हॉस्पिटल की सिस्टर है, अलग पर्सनालिटी है। तुम चलो 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 चलो, हट जाओ, हट जाओ। ए भाई, ए भाई। अरे क्या पूछ? क्या पूछ ना? क्या क्या ऐसे क्या घूर रहे? क्या हम कोई अंडरवर्ल्ड के शूटर हैं जो तुम गोली मार देंगे? हमें मालूम है तुम्हारे साथ के सारे लोग मर चुके हैं, हम पूरे गांव में से पता करके आए। तुम एक ऐसे बचे हुए आदमी हो जो 20 साल पहले पोस्टमास्टर थे और आज भी जिंदा हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? गोली ले लो। नहीं नहीं, गोली वोली नहीं भाई। देखो भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई खजाना नहीं, ना कोई यहाँ पर कोई खजाना छिपा के गया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ बता। हमने खजाने के बारे में पूछा नहीं, कोई छिपा कर गया है ये बात बताया नहीं, तो तू कैसे जानता है कि हम खजाने की बात कर रहे हैं? सुन, वो जो खजाना है ना, वो मेरे बाप ने दिया था। अरे बाप, जो चला गया। अभी इज्जत से बता कि वो खजाना कहाँ है, वरना। देखो लगता है गुंडे आ गए, उनको हमारे बारे में कुछ मत बताना, खजाने के बारे में तो बिल्कुल कुछ मत बताना, वो तुम्हें गोली मार सकते। डाकू हसीना, मुझे आ रहा है पसीना। अल्लाह तौबा, सच बोल रही हूँ भाई मियाँ, किसी बुरके वाली को मत छेड़ियो, बहुत मारती गिरा गिरा के।